सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी एकेडमी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो वेलकम बैक टू स्ट्रीट स्टडी एकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियो अकाउंट्स 996 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। तो जनरली रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस कोई भी कंपनी के जो होते हैं वो कहाँ पे शो किए जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बिल्कुल गलत आंसर है, मुझे पता, बहुत से कैंडिडेट्स बैलेंस शीट ही लगाएंगे। राइट आंसर रहेगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप जल्दी से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए स्ट्रीट स्टडी 247। तो जो स्ट्रीट स्टडी एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PDFs रहती हैं या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं जो मैं वीडियो बनाकर नहीं बता पाता हूँ, वो आपको जनरली स्ट्रीट स्टडी एकेडमी का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। तो मेन पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो ये चार ऑप्शन है, ABCD, ठीक है। ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, बी इज़ टू मेंटेन बैलेंस शीट, सी इज़ टू मिनिमाइज टैक्सेस, एंड डी इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ लाइबिलिटीज़। तो राइट आंसर रहेगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो मेन पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज बाई विच स्टेटमेंट। तो जनरली हम एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो आपको बताना है किस स्टेटमेंट में जनरली यूज़ होती है, ठीक है। चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। सो इन बैलेंस शीट वी जनरली यूज द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सो द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज बाई द बैलेंस शीट। बट टाइप ऑफ बैलेंस डू एसेट अकाउंट्स है, तो एसेट अकाउंट्स में जनरली किस तरह का बैलेंस होगा, तो ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एसेट और लाइबिलिटीज़ वाला, ठीक है। तो अगर आपका एसेट है तो दूसरे के लिए क्या होगा, वो लाइबिलिटी होगा। जब भी कभी भी एसेट अकाउंट की बात होगी तो जो आपका बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में होगा, और जब भी आपकी लाइबिलिटीज अकाउंट की बात होगी तो आपका बैलेंस किस साइड में होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। द काइंड ऑफ डेबिट्स विच आर नीड टू बी रिपेड इन शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में कौन से होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कभी भी आपके कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो शॉर्ट टर्म, तो मान लेना ये बात हो रही है लेस देन वन ईयर। तो लेस देन वन ईयर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइबिलिटीज़ होती हैं करंट और एसेट होते हैं, सॉरी लेस देन वन ईयर के लिए जो शॉर्ट पीरियड के लिए बात होती है, कभी भी जहाँ पे आपको पे करना हो डेट तो करंट लाइबिलिटीज़ की वहाँ पे बात हो रही है। अगर एसेट की, अगर लेस देन वन ईयर की बात हो, अगर वहाँ पे एसेट मेंशन हो तो करंट एसेट होगा, ठीक है। ये चीज़ तो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है यार, तो एक बार जरूर जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मॉक बंद करके होगा वो, प्लीज़ उसको एक बार जरूर अटैम्प्ट कर लेना। वो अटैम्प्ट करोगे तभी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे और पेपर में गलतियाँ करोगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा आपको पेपर क्लियर करने में एक बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करती है, ठीक है। तभी बोला जाता है नीम हकीम खतरा है जान। नेक्स्ट इज द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नोन एज, तो कौन से अकाउंट होते हैं जो जनरली इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, तो जनरली होते हैं रेवेन्यू अकाउंट। सो रेवेन्यू कोमा ओनर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज द इक्विटी ऑफ ए कंपनी। बट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्जिस्टेंस। तो ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट जो वीडियो था उसमें अच्छे से सीख ली। तो ये हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स इसमें आप क्या कह सकते हो, जैसे कि कॉपीराइट आ गया, ठीक है, पेटेंट्स आ गया, ट्रेडमार्क आ गए, ये सारे क्या हैं आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इंटेंजिबल एसेट्स हैव नो फिजिकल एक्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन, पेटेंट, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना, कभी कभी गुडविल दे देगा कि किस तरह का एसेट है, सो इट इज़ इंटेंजिबल एसेट। वही ब्रांड रिकॉग्निशन, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कॉपीराइट या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क की। वट इज़ द सपोर्टिंग एविडेंस इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड, तो सपोर्टिंग एविडेंस बिजनेस ट्रांजेक्शन में जनरली क्या होता है, तो इट इज़ जनरली कॉल्ड एज वाउचर। सो वाउचर्स आर प्रूफ दैट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। तो आपने देखा होगा कभी भी आप बैंक में, अगर कभी भी आपने पर्सनली विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि बैंक वाले बोलते हैं कि जब भी आप पैसा जमा करने से सर आप क्रेडिट वाउचर भर दीजिए, ठीक है। वैसे अभी अगर आपको कभी पेमेंट निकालना होगा तो आप क्या करते हो, डेबिट वाउचर पर क्लिक कर भरते हो, ठीक है। जनरली आपको पता होगा क्रेडिट वाउचर से लंबी सी रहती है जिसमें से दो पार्ट से दिए होते हैं, इधर आपको भरना रहता है कि 100 के कितने हैं, 200 के कितने हैं, ठीक है। सिमिलरली डेबिट वाउचर छोटा सा रहता है, ठीक है। बैंक टू बैंक हो सकता है वेरी करता हो, बट आई जनरली मैंने ये नोटिस किया कि जो क्रेडिट वाउचर होता है वो एज कम्पेयर टू डेबिट वाउचर थोड़ा सा लेंदी होता है साइज में। द एक्सपेंसिस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, द एक्सपेंसिस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, तो राइट आंसर रहेगा, तो ये जनरली रिकॉर्ड किए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। द नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस एक और वन फाइनेंशियल ईयर।
विच पर्सन ओज एन अमाउंट टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट बेसिस पे कौन बाई करेगा, तो ऑब्वियसली चीज़ है डेटर्स बाई करेंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस पे कौन बाई करता है, तो डेटर्स बाई करते हैं, ठीक है। कभी बैलेंस शीट देखते होंगे अगर आप ध्यान से, तो बैलेंस शीट में ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमेशा, अगर आपने पढ़ी होगी, डेटर्स क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर्स क्या करते हैं, जो जनरली जो डेली की कोई भी बाइंग गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो वहाँ पे शो की जाती हैं। वेन आर बैलेंस शीट्स प्रिपेयर, तो ऑब्वियसली चीज़ है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ईयरली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आप कभी भी ITR वगैरह भी फाइल करते हो तो आप देखते होगे कि कभी बात होती है अकाउंटिंग ईयर की या फिर फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क है। अकाउंटिंग ईयर अगर किसी बैलेंस शीट पे लिखा है 2022-23, तो उसका मतलब क्या है कि वो 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, ठीक है, तो ये याद रखना। नहीं तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो, तो एक्टिविटी रेशियो क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जनरली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। एक्टिविटी रेशियोज आर बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज दैट मेजर्स ए फर्म्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स इनटू ए बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियोज आर ए कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज दैट मेजर फर्म्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स विद इन इट्स बैलेंस शीट इनटू कैश और सेल, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी, तो ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देख लो अगर यहाँ पे बात करो, ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट नॉट ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर और विद इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ए पोटेंशियल लाइबिलिटी देयर मे ऑकर इन द फ्यूचर, ये गलत है, ठीक है। एट्स ऑफ कंपनी एसेट तो है ही नहीं है, गलत है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी और डी में से, ऑब्वियसली चीज़ है ऑप्शन सी, क्योंकि विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, करंट लाइबिलिटी सारे कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन ए 1 ईयर और विद इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कल। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो ऑब्वियसली चीज़ है, आपको सभी को पता ही होगा, इसके बिना तो अकाउंटिंग ही अधूरी है। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाय गुड्स सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेट गुड्स, ठीक है। ये साइकिल मतलब कि आपने गुड्स खरीदी फिर उसको बेचा फिर कुछ प्रॉफिट हुआ, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो पूरा चक्कर चल रहा है, ठीक है। द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाय गुड्स सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेट गुड्स। एन ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाय गुड्स सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इन अदर वर्ड्स इट इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स ए कंपनी टू टर्न इट्स इन्वेंट्रीज इन टू कैश, तो कितना टाइम लग रहा है इन्वेंट्री को सेल करके, या कह सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करके कैश में, और ताकि उनको एट द एंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके। बट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस आर टाइप ऑफ एक्सपेंसिस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस क्या हो गए, जो ड्यू हो चुके हैं बट पेड नहीं हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह क्या हो गया, जब कभी ड्यू हो जाता है बट आपको टाइम पीरियड दिया था कि 15 दिन बाद भर दीजिए, 20 दिन बाद भर दीजिए। सेम क्या रेंट की भी सही बात है, टेलीफोन बिल हो गया या फिर आप कह सकते हो पानी का बिल हो गया, तो ये सारे किस तरह के एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट वगैरह, ये सब हमारे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं बट आपने अभी तक पे नहीं किए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटा बजाना जरूरी है, इसी से नोटिफिकेशन मिलेगी। कोई भी क्वेरी होगी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।